वेलकम टू बीपीसी मेकर दोस्तों, आज है 25 फरवरी 2022 और 25 फरवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी पर्तों की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। जो प्रश्न मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, यह प्रश्न था कि हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब से की जाएगी। इसकी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा 24 फरवरी 2022 से ये अंडर 14 अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा पटना के संजय गांधी स्टेडियम में। कंप्लीट जानकारी यहां से मैंने आपको दिया था। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर था। बिहार की परीक्षाओं के लिए जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ है वो लॉन्च हो चुका है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक के जितने भी हमारे मटेरियल हैं सभी प्रश्नों का बिहार स्पेशल का संग्रह इस पीडीएफ में किया गया है। आप इसको पढ़िए या फिर बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 1000 से अधिक प्रश्न है और सभी प्रश्नों का विश्लेषण इसमें डाला गया है, तो आप लोग इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चलते हैं यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो लोग घर बैठे 67वीं बीपीएससी बीपीएससी सीडीपीओ आदि परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेने के लिए हमारे बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जो 50 प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज चल रहा है आप इसमें भाग लेकर के अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आप कितने प्रिपेयर हैं। तो उसके साथ जो मटेरियल आपको मिलेंगे कोर्स के तहत वो आपको बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जो करंट अफेयर्स का सीरीज चलता है ये डेली बेसिस पे यहाँ पर आपको नोट्स मिलेगा ताकि आप यहाँ पर करंट अफेयर से अपडेट रहें और साथ साथ बिहार जीके की संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी। इसके अलावा और भी कई सारे मटेरियल हैं वो मिलते हैं आपको और ध्यान रखिए टॉपिक के बेस्ड जो वीडियो आते हैं उसका भी यहाँ पर मटेरियल आपको दिया जाता है। तो एक अच्छी तरह से बेहतर तैयारी के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड करें। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट अर्थात समाहरणालय बना है, यानी कि बिहार का कौन सा जिला का कलेक्ट्रेट या फिर समाहरणालय जो कि राज्य का पहला पेपरलेस समाहरणालय बना है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सहरसा। सहरसा की अगर हम बात करें तो बिहार में 9 प्रमंडल है और आपको बता दूं कि सहरसा जो जिला है ये कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं, ये जिले हैं सहरसा सुपौल और मधेपुरा, ये भी जानकारी ध्यान रखिए। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट का गौरव सहरसा जिला को मिला है अर्थात ई ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद कलेक्ट्रेट अर्थात समाहरणालय से जुड़े सभी कार्य अब ऑनलाइन हो गए हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हाल ही में मतलब ये योजना को तैयार किया गया और इसे क्रियान्वित करते हुए मतलब कह सकते हैं ये सहरसा कलेक्ट्रेट को पेपरलेस बनाया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसे ई ऑफिस प्रणाली से जोड़ा गया है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सहरसा। चलते अगले दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आसियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है। ये बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात पटना। आपको विस्तार से बता दूं कि हाल ही के जानकारी के अनुसार पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान के आसियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल के 99% उपभोक्ताओं के आवास पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग गया है और इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने 23 फरवरी 2022 को आसियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट डिवीजन घोषित किया है। आपको ये ध्यान रखना है, हालांकि यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे आपको पूछा जा सकता है ये किस मतलब कि जिला का आसियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है। आपको ध्यान रखना पटना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते यहां पर हम अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है लेकिन यहां पर एक जानकारी ये भी ध्यान रखिए, यहां पर जो स्मार्ट मीटर की बात किया जा रहा है तो ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया ये 2023 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बिहार के सभी घरों में जितने भी पुराने डिजिटल मीटर है सभी को बदलते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदला जाएगा। यानी कि प्रीपेड कहने का अर्थ होता है मतलब अगर किसी सेवा का आप लाभ उठा रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको पेड करना होगा, इसे ही प्रीपेड कहा जाता है। तो ऐसे ही मतलब कह सकते हैं बिहार सरकार के द्वारा घोषणा है कि 2023 तक हर घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला है तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसको रख सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात एस सिद्धार्थ। आपको बता दूं कि हाल ही में 1991 बैच के आईएएस अधिकारी एस सिद्धार्थ को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नया प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि लंबे समय से नीतीश कुमार के प्रधान सचिव रहे आईएएस अधिकारी चंचल कुमार के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में चले जाने के बाद यह पद खाली चल रहा था और ऐसे में एस सिद्धार्थ वर्तमान में अपर मुख्य सचिव के वित्त विभाग पर कार्यरत थे जिन्हें कभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव बनाया गया है।
तो ये डिटेल जानकारी जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इससे पहले कौन सचिव थे, वर्तमान में जो सचिव बने हैं इनका नाम है एस सिद्धार्थ, और ये एस सिद्धार्थ इससे पहले किस पद पर थे, ये सारी जानकारी यहाँ से आपको इस तरह से रिलेट करके याद रखना है। सभी चीज़ों का अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए, अगर नोट नहीं कर सकते बीपीएससी मेकर ऐप पर ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाकर के डेली बेसिस पर नोट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम एस सिद्धार्थ की बात करें तो इनके बारे में एक पॉइंट और लिखा गया है, हालांकि उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग के अलावे अन्य पदों का भी अतिरिक्त प्रभार है, तो हालांकि ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेंगे अगले चौथे प्रश्न पे। तो चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश से भगवान अवलोकितेश्वर की मूर्ति को भारत लाए जाने का निर्णय लिया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा खबरों में है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात इटली। आपको इस प्रश्न के बारे में डिटेल जानकारी दे दूं कि भारत सरकार अर्थात सरकार द्वारा देश की धरोहर को वापस लाने की रणनीति पर काम करने के तहत अब जल्द ही इटली से बौद्ध भगवान या फिर बुद्ध भगवान की अवलोकितेश्वर की मूर्ति वापस भारत लाई जाएगी। अब ये भारत क्यों लाई जाएगी, ये पहले कहाँ था, इसकी जानकारी हमने आगे लिखा है जो कि डिटेल में आप सभी चीज़ों को देख रहे हैं। इस मूर्ति को बिहार के गया जिले के कुर्घीहार मंदिर में स्थापित किया जा सकता है, जहाँ से 2 दशक पहले इसे चोरी कर लिया गया था। 2 दशक पहले यहाँ से बिहार के गया जिले के कुर्घीहार मंदिर से इस मूर्ति को चोरी किया गया था, जो कि इटली में यह मूर्ति मिला है, और यहीं से इसे वापस लाने की रणनीति पर अभी भारत सरकार काम कर रही है, और यह जल्द ही कर सकते हैं भारत तो वापस आएगा। हमने यहाँ पे कुर्घीहार के मंदिर के बारे में लिखा है, कुर्घीहार में 1930 में पुरातात्विक खुदाई में 220 से अधिक मूर्तियां मिली थी, और उनमें से अधिकांश मूर्तियां अब बिहार के पटना संग्रहालय में है। लेकिन जो यहाँ पर आप इस मूर्ति को देख रहे हैं, ये मूर्ति भगवान अवलोकितेश्वर की है, जो कि चोरी हो गया था, ये ध्यान रखना आपको। अगर हम भगवान अवलोकितेश्वर की बात करें तो ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा के सबसे लोकप्रिय आराध्य देव हैं, तो ये जानकारी आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म है, आपको एक प्रश्न यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, बौद्ध धर्म में किस मतलब जगह अगर बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में कुल 5 संगीति हुई या फिर 5 मतलब कह सकते हैं सम्मेलन हुआ है, आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। बहुत जगह आपको मिलेगा 4 सम्मेलन या फिर 4 संगति, लेकिन आप ध्यान रखिए बौद्ध धर्म में कुल मिला के 5 संगति हुई है, और ये 5 संगति में से किस संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था। यहाँ पे महायान के बारे में लिखा गया कि अवलोकितेश्वर बौद्ध धर्म की महायान शाखा के सबसे लोकप्रिय आराध्य देव थे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग यहाँ पर जानते हैं कि ये मतलब कह सकते हैं किस संगति में ये विभाजन हुआ था हीनयान और महायान में, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगला होगा हमारा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात चंद्रभान ख्याल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जबकि अगर यहां पर ऑप्शन नंबर बी पे हम नजर डालें तो यहां पर लिखा गया जगदीश मंडल, जो कि जानकारी मैंने आपको कल दिया था, जगदीश मंडल बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले, इन्हें जो अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ये मैथिली भाषा के लिए दिया गया है, तो ये जानकारी मैंने आपको कल दिया था। हालांकि इस प्रश्न में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, इसका राइट आंसर होगा चंद्रभान ख्याल। डिटेल जानकारी आप यहाँ पर साइट में देख रहे हैं, उर्दू के साहित्यकार चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा, और उनकी कविता संग्रह ताजा हवा की ताबीसे के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है किस लिए पुरस्कार दिया जाएगा, तो उनकी कविता संग्रह ताजा हवा की ताबीसे के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। अगर हम चंद्रभान ख्याल की बात करें तो मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले चंद्रभान ख्याल मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उन्हें यह पुरस्कार नई दिल्ली में 11 मार्च 2022 को आयोजित होने वाले विशेष समारोह साहित्य उत्सव में प्रदान किया जाएगा। जितनी भी कैटेगरी में ये साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा भी सभी को 11 मार्च 2022 को ये अवार्ड दिया जाएगा। और वहीं पे हमने ऑप्शन नंबर बी यानी कि जगदीश मंडल के बारे में भी लिख दिया कि साथ ही मधुबनी बिहार के जगदीश मंडल को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ये जानकारी मैंने आपको कल दिया था, अभी भी मैंने आपको बताया। अगला होगा हमारा यहाँ पर 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में अर्थात फरवरी 2022 में भारत ने किस देश को 2500 मीट्रिक टन गेहूं की पहली खेप भेजी है, किस देश को, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अफगानिस्तान। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि अन्न संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को भारत सरकार मानवता के आधार पर 50,000 मीट्रिक टन गेहूं देगा। मानवता को ध्यान में रखते हुए हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान के मतलब कह सकते हैं अन्न संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को ये 50,000 मीट्रिक टन गेहूँ देने का फैसला किया है, और इसके तहत जो पहली खेप भेजी गई ये 2500 मीट्रिक टन की है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है कि इसके तहत 2500 मीट्रिक टन गेहूँ की यह पहली खेप पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान भेजी गई। अब यहाँ पर देखिए पाकिस्तान से जो मतलब रवाना हुआ या फिर जो भेजा गया ट्रक के माध्यम से भेजा गया है, तो पाकिस्तान से भेजने के लिए यूएन के साथ यानी कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन से समझौता करना पड़ा था या फिर उससे सहमति लेनी पड़ी थी भारत को, उसकी जानकारी हमने आगे लिखा है। हालांकि भारत द्वारा गेहूं भेजने के लिए पाकिस्तान के रास्ते का प्रयोग करने के लिए यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन की सहमति लेनी पड़ी थी, ये आप यहां से ध्यान रखिएगा। अब यहां पर अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं,
यूनाइटेड नेशन के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में लिखा है। यूनाइटेड नेशन का अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ये स्थापना से भी आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न बने हैं। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ ये संगठन स्थापित हुआ था। और यूएन का जो मुख्यालय ये मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क में है, और वर्तमान में सदस्य जो है ये 193 देश इसके सदस्य हैं। और यूएन की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, अरबी और चीनी। और महासचिव की अगर हम बात करें तो यूएन के महासचिव वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस। और आपको ये ध्यान रखना है एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के निवासी हैं? तो ये पुर्तगाल के निवासी हैं। अगला हमारा होगा यहाँ पर 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में पीएम केयर्स योजना को बच्चों के लिए कितनी तारीखों तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि पीएम केयर्स योजना में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कब तक के लिए बढ़ाया गया है। आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 फरवरी तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना को 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि पहले यह योजना 31 दिसंबर 2021 तक ही वैध थी, यानी कि आपको यहां पर यह ध्यान रखना, पहले जो योजना में रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी ये 31 दिसंबर लास्ट डेट निर्धारित किया गया था, 31 दिसंबर 2021 को। लेकिन अभी हाल ही में से बढ़ाया गया, ये बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 किया गया, यानी कि पूरे के पूरे मतलब फरवरी माह का अंतिम दिन जो 28 फरवरी है, मतलब इस दिन तक इसमें रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पीएम केयर्स योजना की, तो उसके बारे में हमने लिखा है इसका लाभ उन सभी बच्चों को मिलेगा जिसकी उम्र 18 साल से कम हो और जिन्होंने 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता या फिर अभिभावक को खो दिया है। तो इस अवधि के दौरान जिन्होंने भी अपने माता पिता या फिर अपने अभिभावक को खोया है, तो ऐसे बच्चों को यहां पर पीएम केयर्स योजना के तहत मतलब कह सकते हैं संरक्षित या फिर मतलब उन्हें सुविधा दिया जाएगा। उनकी मतलब जीवन शैली को बेहतर बनाने का एक प्रयास है और मतलब पूरा का पूरा खर्च यहां पर कह सकते हैं मतलब भारत सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। तो ऐसी ही एक योजना है पीएम केयर्स योजना, और इसमें रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है यह 28 फरवरी 2022। अब यहां पे हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये प्रदान किया जा चुका है, हालांकि ये प्रश्न मैंने आपको बताया था जब ये घोषणा हुई थी। अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो आपको याद आ रहा होगा ये प्रश्न हमारा बताया हुआ प्रश्न है। मैंने आपको बताया था प्रोफेसर नीना गुप्ता को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि अभी हाल ही में इन्हें मतलब रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जब घोषणा हुई थी तब मैंने आपको इसकी डिटेल जानकारी दी थी। आपको बता दूं कि कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को हाल ही में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। यहाँ जो आप इस इमेज पे देख रहे हैं यही है प्रोफेसर नीना गुप्ता। आपको बता दूं कि यह पुरस्कार युवा गणितज्ञों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, जो कि जिसका नाम है रामानुजन पुरस्कार। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो अगले पॉइंट में हमने लिखा है उन्हें एफाइन बीजगणित ज्यामिति अर्थात एफाइन एलजेब्रिक ज्योमेट्री और कम्यूटेटिव बीजगणित अर्थात कम्यूटेटिव एलजेब्रा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए या फिर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2021 का पुरस्कार मिला है। ये वर्ष 2021 का कैटेगरी का यह घोषणा हुआ था और अभी हाल ही में इन्हें प्रदान किया गया है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे आ चुके हैं अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने तुंगभद्रा नदी आरती का ऐलान किया है, यह नदी किस राज्य से निकलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कर्नाटक। डिटेल में हमने सभी चीज़ों को लिखा है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बनेंगे एग्जाम में। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में गंगा आरती के तर्ज पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हाल ही में तुंगभद्रा नदी की आरती का ऐलान किया है। तुंगभद्रा नदी की अगर हम बात करें तो तुंगभद्रा नदी कर्नाटक राज्य से निकलकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है, जो कि आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में कृष्णा नदी के साथ मिल जाती है। अगर हम तुंगभद्रा नदी की बात करें तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो कि आंध्र प्रदेश में महबूब नगर जिले में कृष्णा नदी के साथ मिल जाती है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चूंकि इस प्रश्न में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में कुछ पॉइंट हमने लिखा है कि हाल ही में कर्नाटक में पर्याय महोत्सव मनाया गया और साथ साथ कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की। साथ ही कर्नाटक में ही विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया और कर्नाटक में ही दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बनाया जा रहा है। तो ये सारी डिटेल जानकारी है जो कि कर्नाटक से रिलेटेड है और ये सारे करंट अफेयर्स के श्रेणी वाले प्रश्न हैं और ये आने वाले दिनों में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला है 10वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन नामक पुस्तक किसने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन नामक पुस्तक के जो लेखक हैं इसका राइट आंसर होगा उमा दास गुप्ता।
अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इस बुक के कवर पेज को देख सकते हैं। आपको बता दूं कि हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन नामक पुस्तक उमादास गुप्ता द्वारा लिखी गई है और इस बुक को अर्थात यह बुक नियोगी बुक्स पेपर मिसाइल के तहत प्रकाशित की गई है। इसके अलावा हमने जो इम्पोर्टेंट बुक है जो कि एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जाने की संभावना है उसके लेखक के बारे में और उस बुक का नाम यहाँ पे लिखा है। आप लोग ध्यान दीजिए, ए नेशन टू प्रोटेक्ट जो बुक है इसके लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी, लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड और इंडोमिटेबल के लेखक लेखिका है अरुंधति भट्टाचार्य, बैचलर डेट के लेखक हैं तुषार कपूर। ये सारी जानकारी यहाँ से जाने के सभी को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं। अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे भी रख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अर्थात एयर इंडिया नहीं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा कोल इंडिया। आपको बता दूं कि हाल ही में कोल इंडिया को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह भारत और विश्व में भी सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। कोल इंडिया कंपनी की अगर हम स्थापना की बात करें तो कोल इंडिया कंपनी की स्थापना जो भी थी ये नवंबर 1975 को हुआ था तथा इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है और वर्तमान में 1991 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी श्री प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। अभी देखिए ये अभी चर्चे में आया है, भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार इसे मिला है तो इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो रिलेट करके आपको सभी चीज़ों को इसी प्रकार से याद रखना है। हमारा यही प्रयास रहता है कि चीज़ें आपको बेहतर मिले ताकि आप एग्जाम में इसका भरपूर लाभ उठा सकें। अगला है 12वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है। ये बहुत अभी चर्चे का विषय बना हुआ यहाँ से जो मतलब कर सकते हैं प्रश्न आपके बनेंगे मतलब आने वाले दिनों में यहाँ से मैं आपको बहुत सारे प्रश्न करवाने वाला हूँ। हालांकि यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने एक प्रश्न लिखा है कि हाल ही में 9 साल बाद किस देश ने सैन्य वापसी की घोषणा की है, फ्रांस ने किस देश से। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अर्थात माली। आपको बता दूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने घोषणा की है कि फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी 9 साल से अधिक समय तक जिहादी विद्रोह से लड़ने के बाद माली से सैन्य वापसी शुरू करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की यानी कि यहाँ जो हमने प्रश्न में लिखा है 9 साल बाद सैन्य वापसी की घोषणा की है तो इसकी शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया था। आपको बता दूं कि फ्रांस ने पहली बार 2013 में समाजवादी राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांद्रे के नेतृत्व में माली में जिहादियों के खिलाफ सैनिक को तैनात किया था जिन्हें कि अभी हाल ही में मतलब कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने वापस लेने की घोषणा की है। ये सैन्य वापसी की घोषणा की है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है। डिटेल जानकारी हमने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ ये पीडीएफ आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर भी मिल जाएगा। तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारे तमाम सुविधाओं का आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।